नमस्कार भक्तों, श्री धनरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पूज्य महाराज जी का यह संदेश आप लोगों के बीच ला रहा हूं, जिसमें धनतेरस से ही जो है हमारे यहाँ धन की भी शुरू हो जाती है। धनवंतरी की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा, ये धनतेरस से होती है। ये धनतेरस जो है विशेष मान है, इसमें कई लोग सामान खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, कोई चांदी खरीदते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं, इत्यादि चीज इसमें लेने का बहुत फल है, कोई तिजोरी खरीदते हैं। तो इस प्रकार से ये धनतेरस का पर्व, उसके बाद में चतुर्दशी होती है। धनतेरस के बाद चतुर्दशी को हमारे यहाँ वेद पुराण शास्त्रों में हनुमान जी का प्राकट मानते हैं। हनुमान जी जो है इसी चतुर्दशी के प्रकट हुए थे, क्यों चतुर्दशी प्रकट हुई तो अमावस्या को ग्रहण पड़ता, सूर्य ग्रहण। तो उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था तो हनुमान जी ने फल समझ करके उस सूर्य को ग्रहण कर लिया, तो सारे देवता में हाहाकार मच गया। और फिर देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की, विनती करी, तो उन्होंने सूर्य को छोड़ा। देवताओं ने श्राप दिया कि तुमको जो है ये ध्यान नहीं रहेगा अपने बल का, क्योंकि बल का ध्यान नहीं रहता था। जब कोई जामन जैसे कराता था तब आ जाता था। महाबली हैं, महावीर हैं, हनुमान जी का ये बड़ा प्रभाव था। तो ये चतुर्दशी जी दो हनुमान जी पैसे तीन प्राकट हैं, एक तो चैत्र की पूर्णिमा को, एक चैत्र की एकादशी को, और एक जय अयोध्या जी में जय बड़ी विशाल रूप से मनाता है। और विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ जी जो अयोध्या में बहुत तरीके से होता है, और बड़े धूमधाम से ये हनुमान जी का रुद्राभिषेक भी होता है, छोटा सुचार पूजा होती है, बड़े सुंदर ढंग से हनुमान जी का श्रृंगार और उसकी उनकी आरती हमारे भक्त लोग विशेष रूप से मानते हैं। ये बहुत जरूरी मनाना है जी चतुर्दशी कार्तिक वदी। हमारे हनुमान जी का हमने स्वप्न में भी हमारे दंड में हनुमान जी का हमने प्रतिष्ठा की थी, एक इसी चतुर्दशी को। तो ये हनुमान जी वास्तव में ही सिद्ध हैं और साक्षात हैं, श्रद्धा से भाव से जो लोग।